हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं सी साइड से, और ये वीडियो है हमारी जो इंटरसेप्टर है जो कि यहाँ पे खड़ी है, उसका उसके डिटेल राइड रिव्यू पे से। सो ऐसी हमारी मरून कलर की इंटरसेप्टर है, सो कॉल्ड कैनन रेड बाय रॉयल एनफील्ड, और एकदम स्टॉक गाड़ी है। सिर्फ मैंने बीएस मोटर्स का ये जो बैकरेस्ट और कैरियर लगाया, और ये एक माउंट लगाया है। भैया चिल्लाते हुए जा रहे, और नीचे जो आप रेडिएटर गार्ड देख रहे हो ये वाला, रुको ये साइड से देखो ये वाला, बस इतना ही मॉड्स है इसमें। तो चलिए अभी इसका राइड रिव्यू आपको देते, पर राइड रिव्यू से पहले कोई तो एक मस्त शांत जगह पे जाते और वहाँ पे आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताते। सो यस दोस्तों, आ गए हम एकदम शांत सी जगह पे, और ये खड़ी है इंटरसेप्टर 650। टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्टर 650, पीछे का जो टायर है वो है 18 इंचेस, और आगे का जो टायर है वो भी है 18 इंचेस। इट गेट्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इन द फ्रंट विच आई फील आर अ बिट सॉफ्ट, और पीछे जो है ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हो ये एडजस्टेबल है, तो मैंने अभी लेवल 4 पे रखा है। और ये साइड पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट वेदर इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर मतलब सिर्फ टूल किट आता है यहाँ पे, और ये मैसिव 650 सीसी इंजन, सो इट डिलीवर्स अ पावर ऑफ 47 हॉर्स पावर एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो इसका टॉर्क बहुत ही सेक्सी है, लाइक ये प्राइस पॉइंट पे, एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 350,000 to 4,00,000, दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल आई कैन से, क्योंकि अभी मैंने लिए हुए इसको ओवर 5 मंथ्स हो चुके हैं एंड इट इज़ परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली वेल। अभी मेरी हाइट है 6'3", तो मुझे आराम से बैठने होता है। सी बोथ ऑफ माई लेग्स आर परफेक्टली डाउन। अगर आपकी हाइट 5'2" 5'3" है तो मे बी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। एंड वन मोर थिंग आई वुड लव टू टेल यू इज़ दैट, कि जब भी आप इस पर बैठते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट आपके दोनों पैर जो है ना टैंक को एकदम चिपक के बैठिए, क्योंकि आपको मनूवर करने को गाड़ी एकदम प्रॉपरली जमेगी। सो या इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। मैंने इस पर 2 राइड्स किए हैं, वन इज़ ऑफ लोनावाला विच इज़ ऑन आर चैनल, जो कि अभी आपको यहाँ या यहाँ कॉर्नर में आता रहेगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। पर इसका जो इंजन है ना वो आपको हमेशा पावर डिलीवर करेगा, कभी आपको लैग नहीं देगा इंजन में। सो चलिए इसके अभी इसको अभी राइड करते हैं और आपको इसका राइड रिव्यू देते हैं। तो राइड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी एग्जॉस्ट नोट सुने। लेट्स पुट इट ऑन न्यूट्रल, यह स्टैंड है, ये हो गई स्टार्ट। अभी ये आइडियल पे ऐसी साउंड करती है, सी इट इज़ प्रीटी बेसी, और अगर मैं इसको रेव करूँ ना तो ये सुनिए, आई हाय 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 हाय, आई लव दिस साउंड एंड द लुक। ये देखिए, ओ माय गॉड, मस्त बेस दे रही है हाथ पे, हाहा। चलो चलो अभी आ गया टाइम राइड रिव्यू का, लेट्स राइड दिस बीस्ट, लेट्स गो। एंड हियर वी हिट द रोड ऑन दिस बीस्ट। व्हाई आई कॉल दिस अ बीस्ट इज दैट, क्योंकि आप बस इसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ और ये जाती रहेगी जाती रहेगी, आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये गाड़ी, क्योंकि जो राइडिंग कम्फर्ट है ना इसका, सिर्फ एक बात है कि इसकी जो सीट है ना वो आगे से थोड़ी पतली है और पीछे से ब्रॉड है, सो द पिलियन वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द ओनली थिंग इज़ दैट जो हेवियर साइड पे है ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आगे से सीट थोड़ी छोटी है, पतली है, मीन नॉट छोटी, तो उधर प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब तक मैं इसको 6 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील हुई। सो द वेट ऑफ दिस बाइक इज़ 202 kgs विदाउट फ्यूल। सो जब भी आप इसको रोक के
जब इसको रोकते हो ना या फिर ट्रैफिक में चलाते हो तभी आपको थोड़ा सा वेट फील हो सकता है, बट एज एंड व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम. सो यस, अभी मैं इसको बहुत मैं इसको रोज़ ट्रैफिक में चलाता हूँ. दिस इज़ माई एवरी डे बाइक, जिसको मैं कॉलेज भी लेके जाता हूँ, जिसको मैं कहीं और जाना हो तो भी लेके जाता हूँ, सब्ज़ी भी लेने लेके जाता हूँ. तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. सिर्फ एक आपको बताऊँगा कि व्हेनेवर यू राइड सच अ पावरफुल मोटरसाइकिल यू शुड ऑलवेज हैव योर हेलमेट ऑन इन सिटीज़, एंड व्हेनेवर यू गो ऑन लॉन्ग राइड्स यू शुड ऑलवेज हैव योर राइडिंग गियर्स ऑन. अनदर थिंग विच आई वुड लव टू मेंशन इज़ दैट इसका जो रोड प्रेजेंस है ना बहुत अच्छा है. लाइक मुझे लगा था कि अरे ये तो नॉर्मल बाइक जैसे लगती है, पर नहीं. अरे हाँ, देखिए हम अभी इतनी सी गली से जा रहे हैं और आराम से गाड़ी निकाल पा रहे हैं. ऐसा थोड़ा सैड ना कि इसको मनूवर करना बहुत इजी है, वेट आपको फील नहीं होता जब भी आप चलाते हो. देखिए कितनी सी गली है, दादर की गलियों से हम व्लॉग बनाते हुए चल रहे और गाड़ी को रेव कर रहे. इसको ना एक आदत पड़ी है मुझे कि मैं जाता रहता हूँ और मैं इसको ऐसे रेव करता रहता हूँ. इट्स अनदर फीलिंग है ना. सी सच अ स्मॉल गैप फिर भी निकल गई, यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है फिर भी निकल गई, यहाँ पे देखिए कभी कभी लगता है तो एक्टिवा से भी पतली है. या सो दिस इज़ अ माइल्ड ट्रैफिक कंडीशन. और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अगर ऐसे सुई करके निकलना होगा तो आप कैसे निकलेंगे. ये देखो, अगर मैं इसके पीछे हूँ और मुझे इसको ओवरटेक करना है, सी हियर यू गो. पार की आपको कोई कमी नहीं है, देयर इज नो लैग इन द पार इन दिस बाइक, सो देयर इज नो इशू एट ऑल. अभी देखिए सी, और ब्रेकिंग भी एक नंबर है. सी अगर मुझे स्विच करना है, फ्लिक करना है, यार आई फ्लिक्ड इट, यार आई केम बैक इन माय प्लेस. जैसे कि आप देख सकते हैं ये गैप बहुत कम है, सो इस गैप में भी गाड़ी आराम से जाती है. ओके, आपको लगता रहेगा इतनी हैवी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक है, कैसे जाएगी. इट गोज़ ईजिली एंड वेरी स्मूथली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, जो कि है गियर शिफ्टिंग. अगर गियर शिफ्टिंग की बात करें ना तो ये जो क्लच है ना वो बहुत ही सॉफ्ट साइड पर है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि जैसे आप शिफ्ट कर रहे हो, अभी देखो टाइम टू शिफ्ट हो गया, एकदम ईजिली शिफ्ट होती है, होता है गियर, सो आपको कोई इशू नहीं होता है. और ईजिली फ्लिकेबल है गाड़ी, ये देखिए फ्लिक्स ईजिली. इसका जो अगला एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है माइलेज. जैसे कि जब भी कोई भी ये बाइक देखता है ना पूछता है कितना देती है. सिंपल है, अभी मैं इसको 5 महीने से चला रहा हूँ तो मुझे जो इसकी माइलेज मिल रही है वो है इन द सिटी आई गेट एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स कॉन्स्टेंट, 1920. और जब भी मैं इसको राइड पे लेके जाता हूँ तो इट वेरीज़ फ्रॉम 27 to 32. सो आई फील 650 के लिए इतना माइलेज बहुत है. लाइक 650 cc है यार, कम थोड़ी ना है कुछ. देखो संडे है तो सब क्रिकेट खेल रहा है आज. ये देखिए पूरा ग्राउंड भरा है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मस्त. और हम भी मस्त मस्त व्लॉग कर रहे हैं. अभी इसकी अगर हम बात करें ऑफ रोड एबिलिटीज़ की, ऑफ रोड से पहले नॉर्मल रोड्स की बात करते हैं कि यार इंडियन रोड्स आर वेरी 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 गुड. आपको समझाई होगा. सो अगर किसी पडल्स की बात करें ना हम, या फिर पॉट होल्स की बात करें ना तो आपको बिल्कुल फील नहीं होंगे. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसके जो रेयर सस्पेंशन है वो मैंने 4th level पे सेट किए हैं, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम इन पॉट होल्स. तो गड्ढों में गाड़ी एकदम स्मूथली जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ. और पिलियन कंफर्ट की बात अगर करें तो पिलियन बहुत कंफर्टेबल है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट जो पीछे का फुट पैग है ना वो बहुत रेयर सेट है. तो जो मेरे हाइट के लोग या फिर आप बोल सकते हो 5'6" के ऊपर के लोग जो बैठते हैं ना उनको प्रॉब्लम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फुट पैक. और या और जब भी आप गाड़ी लेते हो तभी आपको कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे ही. जैसे कि मैंने अभी वो पीछे रेस्ट बैक रेस्ट लगाया है और दैट इज़ अ वेरी फंक्शनल मॉड, क्योंकि पीछे वाला
ये गाड़ी पे पीछे गिर ही जाएगा, क्योंकि इसका पिकअप ही इतना है ना बॉस कि क्या बताए आपको, भाग जाती है गाड़ी, बस छोड़ दो। पर जो मज़ा आता है ना यार गाड़ी चलाने में, वो मज़ा, ये मज़ा मैं हिंदुस्तान की जनता को देना चाहता हूँ। जल्द एक अलग और मस्त राइड प्लान करेंगे, उसी के साथ राइड के साथ मॉडिफिकेशंस भी होंगी। और सबसे पहले हमें राइडिंग गियर्स लेने, यार देखते कभी लेंगे, पर लेने तो है ज़रूर, पर राइड से पहले पक्का। और दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर मैंने इस रिव्यू में कुछ भी मिस किया हो और आपको कुछ पूछना हो तो यू आर फ्री टू कॉमेंट ऑन द वीडियो। और इसी के साथ और इसी ब्यूटीफुल इंटरसेप्टर के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आपको ऐसे ही एक्साइटिंग व्लॉग्स में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।